अरफा, वकूफ कहते हैं ठहरने को, अरफात के मैदान में ठहरना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ दो नमाजें किस तरह जमा की, ध्यान से सुन लें। जोहर को उसके आखिरी वक्त में पढ़ा, जोहर को ऊंची, असर को उसके पहले वक्त में पढ़ा। यूं मिली हुई, मैं समझा दूं समझने के लिए बात। 4:30 बजे जोहर का टाइम ख़त्म होता है, 4:30 पर जोहर का टाइम ख़त्म होता है और असर का टाइम शुरू होता है। तो आपने 4:15 शुरू की जोहर, पढ़ते पढ़ते आपको हो गए 4:30 और साथ में आपने पढ़ ली असर, तो अपने वक्त में नमाज पढ़ी या इकट्ठी पढ़ी? ऊंची, बस इस तरह किया था हुजूर ने, इस तरह किया था। ये 12 बजे दोनों नमाजें इकट्ठी नहीं पढ़ ली थी, जिस तरह आज पढ़ी जाती है वहां मस्जिद में, ऐसा नहीं। नबी पाक ने उस दिन ऐसा क्यों किया कि दुआ के लिए टाइम ज्यादा मिले, दुआ के लिए टाइम ज्यादा मिले। उस दिन अल्लाह की रहमत आम होती है, जितने जमा हुए हैं वहां कोई खाली रहता नहीं, शर्त ईमान है। सब अल्लाह के लिए आए हुए हैं ना, अपने लिबास छोड़े हुए, घर छोड़े हुए, रिश्तेदार छोड़े हुए, सहूलतें छोड़ी हुई वहां आए। अल्लाह फरमाता मैंने इन सबको बख्श दिया। खूब दुआएं करें, वहां रोएं गिड़गिड़ाए। उस दिन अगर रोजा रख लें तो और ज्यादा सवाब है। अगर आजी है, उसको पता है कि नहीं रख सकूंगा, कमजोर हो जाऊंगा, या कोई ऐसी उम्र ज्यादा है, लेकिन जो रखे उसको और ज्यादा सवाब। जो खैमों में नमाज पढ़ेंगे वो अपने वक्त पर, जो मस्जिद में जाके पढ़ रहे हैं उन्होंने इकट्ठी पढ़ी है वो जाने। मैंने जो मसला था वो बता दिया। नमाजें इस तरह जमा की हैं कि वो अपने वक्त पर थीं, अपने वक्त से अलग नहीं थी। मगरिब का टाइम वहां हो जाएगा, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई आजी नमाज ऊंची, जरा जोर से कहो ना, क्यों? नमाज तो वक्त पर पढ़नी चाहिए, कुरान में हुक्म है, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, मोमिनों पर नमाज वक्त मुकर्ररा में फर्ज है। मगरिब का टाइम, गुरूब आफ्ताब है, सूरज का डूबना, सूरज डूब गया कोई नमाज नहीं पढ़ रहा। कोई कहे तुमने ताजा ताजा आज किया, आज ही तो आज ही बने हो, अभी अभी आज ही बने हो, पहली नमाज छोड़ रहे, अभी तुम अरफात से निकले नहीं हो और नमाज नहीं पढ़ रहे। कोई पढ़ेगा तो दूसरा कहेगा वो क्या कर रहा है, रोक देगा, क्योंकि वहां अगर मगरिब पढ़ ली तो पढ़ी हुई बेपढ़ी हो जाएगी, सवाब नहीं बल्कि पकड़ हो सकती, क्यों पढ़ी है वहां। वहां से आना है मुजदलिफा, वापसी की तरफ, मीना के रास्ते में, मीना और अरफात के दरमियान है मुजदलिफा। इसको कुरान ने मशारे हराम कहा है, मैदान है, वहां कोई खैमा नहीं होगा। मीना में भी खैमे हैं, अरफात में भी खैमे हैं, रात आपने खुले आसमान के नीचे गुजारनी है। वहां आप पहुंचे, पैदल आ रहे हैं, गाड़ी पर हैं, बस पर हैं, ट्रेन में आ रहे हैं, आज ट्रेन भी लग गई है ना, वहां उसमें आ रहे हैं, कोई 1 घंटे में आएगा, कोई 2 घंटे में आएगा, कोई 3 घंटे में आएगा, कोई 4 घंटे में आएगा, बाजों को 9-9 घंटे लग जाते हैं, इतना रश होता है। 35 लाख आदमी ने एक ही वक्त में, 4-5 सड़कें हैं उन पर वापस मुड़ना टाइम लगता है। जिस वक्त आप मुजदलिफा पहुंचेंगे, कजा नहीं, पहुंचकर मगरिब अदा पढ़ेंगे, भले रात के 2 बजे पहुंचे, पहले आपने वहां पहुंचकर मगरिब के फर्ज पढ़ने, फिर ईशा के फर्ज, फिर मगरिब की सुन्नतें, फिर ईशा की सुन्नतें, अदा कजा ऊंची। दुनिया के किसी मुफ्ती से पूछ लो जी मगरिब का टाइम क्या, वो कहेंगे गुरूब आफ्ताब पढ़ रहे हो रात के 2 बजे और नीयत कजा की नहीं है। क्यों? कि नबी ने इस तरह किया है, नबी के बगैर बात बनती नहीं।
कंकर चुनेंगे लोग, 3 दिन के लिए कंकरियां वहां पर सब लगे होंगे, औरतें मर्द कंकर चुन रहे हैं, थैलियां बना लेंगे, धो के साफ करके सब रख लेंगे, सब ने कंकर रख लिए। वो रात खास इबादत की रात है। वो कौन सी रात है? इबादत की रात है। 10वीं शब, 9वां दिन गुजार दिया, 10वीं शब, जिसकी सुबह हम लोग ईद पढ़ते हैं ना दूसरे शहरों में, वो वहाँ पर गुजरती है इनकी, खुले आसमान, थोड़ी देर आराम कर लो, पहुँचे हो मगरिब इशा पढ़ी है, कंकर चुन लिया, घंटा डेढ़ घंटा आराम कर लो, फिर सारी रात इबादत करो। मसला सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में दुआ की, या अल्लाह अपने हक बंदों पर मुआफ़ कर दे, हुकूकुल्लाह लोग कमज़ोर हैं, मुआफ़ कर दे। दुआ कबूल हो गई, हुजूर ने दुआ की हुकूकुल इबाद भी मुआफ़ कर दे। कोताही हो जाती है, बंदे कमज़ोर हैं, वो दुआ वहाँ कबूल नहीं हुई। मुज़दलिफ़ा में रात को दुआ की, वो भी कबूल हो गई, वो भी कबूल हो गई। सारी रात गुजार कर सुबह फजर पढ़ी, फजर पढ़ने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे मुस्कुराने लगे। सहाबा ने पूछा, हुजूर आप क्यों मुस्कुराए हैं? फरमाया, मेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने देखा शैतान अपने सर पर खाक डाल रहा था, उसको देख के मुझे हंसी आ गई, दुआ कबूल हो गई मेरे। अल्लाह हमारे यहाँ 10 तारीख को दुनिया भर में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, कुर्बानी की जाती है। हाजियों पर ईद की नमाज नहीं है, क्योंकि वो मुसाफिर होते हैं। वो क्या होते हैं? मुसाफिर होते हैं। हज के अरकान में ईद की नमाज नहीं, जो मक्का के रहने वाले हैं वो पढ़ेंगे जाके, मक्का मुकरमा के जो वहाँ के मकामी हैं वो पढ़ेंगे, बाकी दूर से आए हुए लोग जो है जिन्होंने 15 दिन वहाँ नहीं गुजारे वो वैसे मुसाफिर। हज के अरकान में ईद की नमाज नहीं, सारी दुनिया ईद पढ़ रही होगी। ये 10वां दिन हाजी को बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहला काम, सुबह सुबह फजर के बाद वो जब मीना आएगा मुज़दलिफा से, उसने आकर अगर अपना कोई थैला वैला है तो वो अपने खेमे में रखना है। पहले जमरा, जिसको आपके उर्दू वाले शैतान कहते हैं, वो जो पिलर है जिसको शैतान कहते हैं, पहले बड़े जमरे पर 7 कंकरियां मारनी है, उस दिन सिर्फ 1 जमरे को। उसके बाद उसने कुर्बानी करनी है। क्या करनी है? फिर उसने बाल मुंडाने हैं। पहला काम जमरे का, फिर कुर्बानी, फिर बाल मुंडाए, उसके बाद उसके एहराम की पाबंदी ख़त्म। एहराम की पाबंदी, नहा ले, अपने कपड़े आम पहन ले, मक्का मुकर्रमा आए और तवाफ़े ज़ियारा करे। ये लाजमी तवाफ़ है, ये तवाफ़ लाजमी है। नहीं करेगा तो उसकी बीवी उस पर हलाल नहीं रहेगी। ये लाजमी तवाफ़। सारी दुनिया उस वक्त भी बड़ा रश होता है, 2 दिन तक ये तवाफ़ चलता रहता है, क्योंकि सबको 1 दिन में मौका नहीं मिलता। कुर्बानी पहले लोग खुद करते थे, अब आजकल कोपन सिस्टम चल गया है। वो कोपन वाले पता नहीं कब, क्योंकि जब तक कुर्बानी ना हो बाल नहीं कटवा सकते, लोग शुरू में कटवा देते। अभी कुर्बानी हुई है नहीं हुई है, कटवा दी है। बहरहाल ये हाजियों के लिए बड़े ज़्यादा काम का दिन। फिर आपने तवाफ़ कर लिया, उसके साथ सफ़ा मरवा की सही करनी है, फिर वापस मीना आना है। 2 रातें आपने मीना में रहना, 11वां दिन भी मीना में आपने ज़ोर के बाद मगरिब से पहले तक 3 जमरात, 3 शैतानों को कंकर मारने हैं। फिर अपने खेमे में वहाँ इबादत करें, आप दीन की बातें करें, आपस में ताश नहीं खेलें, टीवी लगा कर ना देखें। आजकल लोगों ने ये धंधा,
और सबसे बड़ी मुसीबत हो गई है ये मोबाइल फ़ोन, जवाल कहते हैं वहाँ पे, सब इस पर कोई गेम खेल रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। अरे वहाँ मौका मिला इबादत कर लो। 12वें दिन फिर आपने जोर के बाद तीनों जमरात को कंकरियां मारनी है, मगरिब से पहले पहले वहां से निकल जाना है, हज हो गया। अब जब मक्का से निकलना हो तवाफ़े वदा कर लें, हज पूरा हो गया। तवाफ़े वदा हाजी को लाजमी है, करना है, करना है। ये कंकर क्यों मारते हैं? हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बा होने के लिए, हज़रत इब्राहीम ज़बा करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में शैतान ने आके रोका, हज़रत इब्राहीम ने कंकर मारे। तो अल्लाह का हुक्म पूरा करने से रोकता है, कंकर मारे वो भाग गया। जहाँ जहाँ कंकर मारे वहीं सुतून बने हुए हैं। ये पैगाम है, जो अल्लाह का हुक्म पूरा करने से रोके वो इस लायक है कि उसको पत्थर मारे जाएं, उसको एक बार ज़रा ज़ोर से कहो, उसको क्यों कहलवाया है मैंने आपसे बार बार? मैच लगा हुआ है टीवी पर, इधर से अजान की आवाज़ आ रही है, आप मैच छोड़ते हैं। जो अल्लाह का हुक्म पूरा करने में रुकावट बने वो इस लायक है कि उसको, बस ये पैगाम आप याद रख लें। अगर ये पैगाम याद रख लिया तो मेहरबानी, अजी ये ड्रामा निकल जाएगा, ये सीन निकल जाएगा, ये हो कहीं कोई कैच ना निकल जाए, कोई छक्का ना निकल जाए। सोच लो कितना बड़ा पैगाम, ये है हज। अब सुने हाजियो, हज कर लिया है ना, दीवाने बन गए थे, आपने सिला हुआ लिबास छोड़कर बेसिला लिबास पहन लिया था। ये सिलाई जोड़ती है ना, दुनिया से डिटैच हो जाओ, दुनिया से अब जुड़े ना रहो, अब अल्लाह से जुड़ जाओ। बेसिला लिबास पहना था, एहराम पहना था, चार दीवारी के फेरे लगाए थे, पानी पी रहे थे, कुछ खड़े होकर पी रहे थे, कुछ अपने ऊपर गिरा रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर सही कर रहे थे। फिर तुम घर बार छोड़ के खेमों में चले गए, कभी अरफात जा रहे हो, कभी मुजदलिफा, कभी मिना, कोई देखे तो कहे ये तो दीवाना है, ये तो, हाँ वो दीवाना है। मगर दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ है, एवें नहीं हो गया। वो दीवाना था। अब तुमने बाल भी कटवा लिए, तुमने अंदर बाहर उजला कर लिया, अब उस दरबार की तैयारी करो जिसके सदके में ये हज मिला है। मक्का मुकर्रमा में नबी पाक का रोज़ा अल्लाह ने नहीं बनवाया कि कोई काबे का तोफैली ना बना दे कि उम्रा करने आया हूँ तो नबी की ज़ियारत भी कर लूँ, नहीं, अब नबी की नियत करके मदीना जाओ, उसके लिए अलग सफ़र करो। जाओ ये कौन सी बारगाह है? अगर ये नबी ना होता, ना हज़रत इब्राहीम होते, ना हज़रत इस्माईल होते, ना मिना होता, ना काबा, ना हजर, कुछ भी ना होता, और जिसके सदक़े मिला है जाओ उनको सलाम करो। ओ आओ शहंशाह जियो, आओ शहंशाह का रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह,
हजियों के काफले मदीना जा रहे हैं। कुछ लोग पहले मदीना जाते हैं फिर मक्का आते हैं, कुछ लोग पहले मक्का जाते हैं फिर, दोनों सही है, दोनों। जो पहले मक्का जाते हैं वो ये कहते हैं कि नबी की बारगाह में जाने से पहले ज़रा साफ सुथरे हो जाए, मक्का चले जाएं पहले गुनाह माफ़ करवा लें, साफ सुथरे हो जाएं फिर हुजूर की बारगाह में जाएंगे। जो पहले मदीना जाते हैं वो कहते हैं जिसके सदक़े हज मिला है, जिसके सदक़े काबा बना है, पहले उसको सलाम कर लें, उनकी इजाज़त और बरकत लेकर मक्का आए तो हज भी कबूल हो जाएगा। तो मोहब्बत वालों की बातें फतवे वालों को समझ में नहीं आई। मक्का अफजल है या मदीना, ये बहस है। मक्का अफजल है या मदीना, ये उलमा में एक बहस है। आम लोगों को इजाज़त नहीं है। हमें मक्का भी प्यारा है, हमें मदीना भी प्यारा है। मक्का में नबी पाक पैदा हुए, वो नबी का शहर है, हमें वो भी। मदीना हुजूर ने ख़ुद बसाया, हमें वो भी। हमारे नाथान, हमारे शुआरा वो कहते हैं हमने दिल को मदीना बना लिया। कोई ये नहीं कहता मैंने दिल को मक्का बना लिया। सब क्या कहते हैं? किसी ने मुझसे पूछ लिया, मौलाना साहब ये दिल को मक्का क्यों नहीं बनाते, मदीना क्यों बनाते? मैंने कहा मक्का से नबी हिजरत कर गया था, मदीना से हिजरत नहीं की, मदीने में हुजूर रहते हैं। हमें तो मक्का भी मिला है तो नबी की बरकत से मिला। ना मक्का मुकर्रमा की किसी को बेअदबी करने की इजाज़त, ना मदीना मुनव्वरा की बेअदबी की इजाज़त। मक्का भी मोहतरम, मदीना भी। मक्का में अल्लाह का घर है, मदीने में अल्लाह का हबीब है। अब एक बात करने लगा हूँ, ध्यान से सुननी है, ध्यान से सुननी, पहले सुनी हुई है, ज़रा इस मौके पर ध्यान से सुनना। फरमाया मनजारा कबरी बाद वफाती फका अन्नमा जारनी फी हयाती, जिसने मेरी वफात के बाद मेरी कब्र को देखा उसने गोया मेरी जिंदगी में मुझको देखा। मक्के में अल्लाह का घर है, अल्लाह उस घर में नहीं, मगर मदीने में नबी पाक खुद मौजूद हैं। अपनी दुनियावी हकीकी आला हयात के साथ खुद मौजूद हैं। चुनाचे उलमा का ऐलान, इसमें थानवी भी शामिल नानोतवी भी शामिल, उनकी किताबें उठा के देख लो, जमीन का वो टुकड़ा जो नबी के जिस्म से लगा हुआ है वो अर्शे मुअल्ला से अफजल है। या रसूल, समझ आ रही है बात? मदीना जा रहे, मामूली बात नहीं, मामूली बात। मौलाना जामी कहते हैं हुजूर आप मुझे बुलाएं मदीने तो मैं पाँव से चलकर नहीं आऊंगा, एक कदम पलकों का बनाऊंगा, एक कदम सर का बनाऊंगा। ये मोहब्बत वाले, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। ये हम लोगों के लिए शायद आसान हो गई है बात, मगर अदब वालों ने हक अदा किया, हम उसको समझते। ये कौन सी खाक है जिसने मेरे नबी के कदम चूमे? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा मदीना में चलते हैं दीवारों के साथ लग लग कर,
और लोग कहते हैं गली इतनी चौड़ी है, आप दीवारों के साथ इस तरह लग रहे हैं कि आपके कपड़े भी उसको लग रहे हैं, घिसट रहे हैं आप, इतना रास्ता है बीच में, आराम से क्यों नहीं चलते। फरमाया डर लगता है कहीं वहां मेरा पाऊ ना आ जाए जहां नबी का कदम आया है। अदब, सवारी नहीं की वहां, ऊंट घोड़े पे कभी नहीं बैठे कि मैं उस जगह को अपने सवारी के सुमों से रौंदूं जहां नबी के कदम आए हैं। ये कौन सी जगह है? ये जन्नत है, जमीन पर जन्नत है, जमीन पर अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मैं जन्नत को हल्का नहीं कर रहा हूं, कोई ये समझे कि जन्नत को कम कर रहा हूं और मदीने की शान बढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है। क्या मतलब? वो जन्नतें भी इस मदीने पे निसार, के ये मदीने वाला ना होता तो जन्नत कहाँ होती, के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। ये मदीना कौन सी जगह है? 70,000 फरिश्ता सुबह आता फजर में, असर के बाद तक मदीने में रहेगा। बच्चा था तो सोचता था यार ये मस्जिद नबवी साफ हो रही है, अल्लाह का शुक्र कि मस्जिद नबवी में झाड़ू देने की सआदत मिली। वहां पर जब हम झाड़ू देते थे ना, तो जिसके वो लंबे लंबे डंडे होते थे आगे झाड़ू लगी, अब तो मशीनें आ गई, छाले पड़ते थे हाथ में, क्या पड़ते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे। मुझे मंजर याद है, छाले पड़ रहे हैं, दर्द हो रही है, लेकिन लगे हुए हैं एक दूसरे को। जिस वक्त वो झाड़ू कंधे पे रख के हम मस्जिद से निकलते थे, हम समझते थे हमारे जैसा बादशाह ही कोई नहीं है, किस दरबार में झाड़ू दे के निकले। अब तो खैर मशीनें आ गई, वो चलती हैं, हरेक को इजाजत भी नहीं वो देते। खैर ये कैसी जन्नत, सोचता था मैं